अवैध रूप से देसी तमंचा अपने पास रखना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला बडियागढ़ थाना क्षेत्र के फोटेरा चौकी का है, जहां मुखबिर से सूचना मिली थी कि चंडी माता मंदिर के पास दो लड़के नितिन जैन और छोटू जैन आपस में लड़ रहे हैं। उनमें से एक के पास देसी तमंचा भी मौजूद है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जब वहां पहुंची तो नितिन जैन नाम के युवक के पास से एक 12 बोर का देसी कट्टा बरामद कर लिया गया, लेकिन पुलिस को देखकर छोटू जैन वहां से भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसआई सिवारे विजय सिवारे को चौकी फुटेरा में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि नितिन जैन चंडी माता मंदिर के पास किराए पर एक कट्टा लिए है और उसका साथी छोटू जैन कट्टे रखने पर से आपसी में विवाद कर रहे हैं। तो सूचना की तस्दीक हमारा स्टाफ के द्वारा की गई तो मौके पर नितिन जैन कट्टा लिए मिला और उसका साथी छोटू जैन पुलिस को देख करके कारतूस फेंक करके भाग गया। इस तरह से आरोपी कब्जे से एक देसी कट्टा 12 बोर का और एक जिंदा कारतूस जब्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध 25/27 के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर निवेशन में लिया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर धन्यवाद। न्यूज बीके के लिए दमोह से राजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।